हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड का स्टॉक आज के सेशन में बहुत फोकस में था, बिकॉज कल कंपनी ने FY24 के सेकेंड इंटरम डिविडेंड की डिक्लेरेशन की थी। 11 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इंटरम डिविडेंड वेदांता लिमिटेड में डिक्लेयर हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में 1100% का डिविडेंड आया है। डिविडेंड बहुत ज्यादा वैल्यू का इस कंपनी में नहीं आया है। कल की वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि स्टॉक में कल नेगेटिव या फ्लैट रिएक्शन देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में जब स्टॉक ओपन हुआ तो स्टॉक में तेजी आई थी। स्टॉक ने आज हाई का लेवल दिखाया था 266.25 रुपीज का, लेकिन उसके बाद से स्टॉक ने फ्लैट रिएक्शन दिखाया। स्टॉक क्लोज हुआ है 262.3 के लेवल पे 0.61% बढ़ के। आज पूरे सेशन में वेदांता का स्टॉक फ्लैट ही रहा है। ऑल्दो इस डिविडेंड 11 रुपीज के अमाउंट को अगर हम 261 से डिवाइड करें, जो कि स्टॉक का कल का प्राइस था डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले, इनटू 100 करें तो ये डिविडेंड यील्ड आता है 4.21% का। उसके हिसाब से स्टॉक में आज 4% की तेजी भी नहीं आई। स्टॉक के कल के प्राइस के हिसाब से कंपनी ने 4% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, लेकिन उसका रिएक्शन स्टॉक में आज फ्लैट ही रहा है। स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी आज के सेशन में नहीं आई है, लेकिन वॉल्यूम वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। एनएससी के डेटा के हिसाब से आज के सेशन में वेदांता के स्टॉक में ट्रेडेड वॉल्यूम था 1.77 करोड़ शेयर का। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने अनाउंस कर दी है। रिकॉर्ड डेट है 27 दिसंबर 2023, एक्स डेट भी है 27 दिसंबर 2023। सो जो भी स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अगर वो 27 तक इन्वेस्टेड रहेंगे, और अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है तो अगर वो मैक्सिमम 26 तारीख तक इन्वेस्ट करेगा, 27 तक स्टॉक को होल्ड करके रखेगा, तो वो शेयर होल्डर इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड शेयर होल्डर होंगे जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। इस डिविडेंड की पेमेंट डेट भी आ गई है। पेमेंट कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम 17 जनवरी 2023 तक हो जाएगी। सो ये तो हो गई डिविडेंड की सारी डिटेल्स। इसके अलावा स्टॉक आज इसीलिए भी फोकस में था बिकॉज कंपनी ने फंड रेजिंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट आज करने थे। आज वेदांता लिमिटेड के कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी फंड रेजिंग के अनाउंसमेंट के लिए। सो वेदांता लिमिटेड में आज फंड रेजिंग के अनाउंसमेंट भी हुए हैं। ये अनाउंसमेंट कंपनी ने मार्केट ओपन होने के जस्ट बाद ही कर दिए थे। एनएससी की वेबसाइट पे 11 AM पे फंड रेजिंग से रिलेटेड डिटेल्स अपलोड हो गई थी आज वेदांता लिमिटेड में। सो क्या डिटेल्स है, चलिए जानते हैं। वेदांता लिमिटेड के कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने आज ये अनाउंस किया है कि वेदांता लिमिटेड अराउंड 3,40,000 सिक्योर्ड अनरेटेड अनलिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करेगी, जिनकी फेस वैल्यू 1,00,000 रुपीज ईच होगी, और इससे कंपनी रेस करेगी टोटल 3,400 करोड़। ये डिबेंचर कंपनी इश्यू करेगी वन और मोर ट्रेंचेस में। वेदांता के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की और डिटेल्स जानने से पहले ये जान लेते हैं कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होता क्या है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लॉन्ग टर्म की फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होती है, जिनका एक स्पेसिफिक टेन्योर होता है और स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट होता है। कंपनी ये इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती है अपने इन्वेस्टर से फंड रेज करने के लिए। इसके अलावा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में ऑप्शन नहीं होता है इन्वेस्टर्स के पास इन डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने का। दो तरीके के नॉर्मली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। एंड वेदांता लिमिटेड के केस में कंपनी ये एनसीडी इशू प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे करेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस का मतलब होता है कि ये एनसीडी इशू सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के लिए ही है। सो नॉर्मली ये एनसीडी इशू बड़े इन्वेस्टर्स के लिए किया जाता है, नॉर्मल पब्लिक के लिए ये एनसीडी इशू नहीं होता है। हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर इस एनसीडी इशू में अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज कंपनी इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे करती है। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड के एनसीडी इशू की अदर डिटेल्स की बात करें, सो कंपनी यहां पर सिक्योर्ड, सो ये डिबेंचर सिक्योर्ड होंगे। इससे पहले कंपनी ने अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी इशू किए हैं। सिक्योर्ड अनरेटेड अनलिस्टेड, लिस्टेड नहीं होंगे ये डिबेंचर। रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करेगी, जिनकी फेस वैल्यू 1,00,000 रुपीज ईच है। कंपनी इनका प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस करेगी। टोटल 3,40,000 डिबेंचर कंपनी इशू करेगी, इससे कंपनी 3,400 करोड़ वन और मोर ट्रेंचेस में रेस करेगी। वेदांता के ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अनलिस्टेड होंगे, इनकी लिस्टिंग किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होगी। इसके अलावा इनका टेन्योर क्या होगा, मतलब कितने टाइम के लिए ये डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, इनका कूपन और इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इनका चार्ज सिक्योरिटी क्या होगा, क्योंकि ये सिक्योर डिबेंचर है तो इस पे चार्ज भी क्रिएट होगा कंपनी के एसेट्स पे। इसके अलावा इनका स्पेशल राइट और इंटरेस्ट क्या होगा, और इनका रिडेम्पशन का डेट क्या होगा, ये कंपनी ने आज के एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि ये होगा एज पर ऑफर लेटर एंड डेफिनेटिव डॉक्यूमेंट्स। सो ये कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, ये कंपनी ऑफर लेटर में मेंशन्ड होंगे। सो आज इन दोनों न्यूज के बाद भी, डिविडेंड की न्यूज और फंड रेजिंग की न्यूज के बाद भी, स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिली। स्टॉक ने फ्लैट रिएक्शन ही दिखाया है। सो यहां से मेरा क्या व्यू है, स्टॉक क्या लेवल्स दिखा सकता है, क्या मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं या बेयरिश हूं, आपका क्या व्यू है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा व्यू बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ऑल्सो ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा व्यू बताने से पहले हम ये भी कहना चाहेंगे, ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय सेल
करने से पहले आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिए। वेदांता के स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें, मैंने पहले भी बताया था एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, स्टॉक में अभी ब्रेकआउट आया हुआ है, तो मुझे यहां से लगता है कि ये स्टॉक अभी फर्दर बुलिश रहेगा। स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस का लेवल मुझे नजर आता है वो है 278 रुपीज पे, एंड स्टॉक के लिए सपोर्ट जोन है 232 से 230 का लेवल। ये लेवल मैंने बार बार स्टॉक के लिए बताया है, सो इस लेवल से नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तभी ये स्टॉक बियरिश होगा, ऐसा मेरा व्यू है। तो जब तक वेदांता लिमिटेड का स्टॉक 230 के सपोर्ट के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये स्टॉक बुलिश ही रहेगा, ऐसा मेरा व्यू है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉक में एक गिरावट भी आएगी, 11 रुपीज के डिविडेंड का स्टॉक में एडजस्टमेंट होगा। ये एडजस्टमेंट होगा 27 दिसंबर 2023 को जब इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट होगी, सो इस गिरावट से भी हमें पैनिक नहीं करना है। जब तक 230 के ऊपर है ये स्टॉक, मेरा व्यू यही है कि ये स्टॉक बढ़ेगा। आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।